पाषाण काल। पाषाण काल उस समय अवधि को कहते हैं जब मनुष्य अपने औजार तथा अपनी आवश्यकता की वस्तुएं पत्थर की बनाता था, यानी जब मनुष्य अपने जो है आवश्यकता की वस्तुएं पत्थर की बनी हुई पत्थर की बनाता था और उनका प्रयोग करता था, तो उस एज को हम जो है पाषाण काल की संज्ञा देते हैं। 1863 ईस्वी में जो है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने बताया कि पाषाण काल को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो पूर्व पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। लेकिन इसके बाद एक इतिहासकार हुए बर्किड व टॉड, इन इतिहासकारों ने बताया कि एक और काल होता है जिसे कि हम मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इन्होंने बताया कि पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच में एक काल होता है जिसे कि मध्य पाषाण काल कहा जाता है। पूर्व पाषाण काल जो होता है इसे तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हमारा पूर्व पुरापाषाण काल, नेक्स्ट है मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है उत्तर पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल जो है ये तीन भागों में इसे हम बांट सकते हैं, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। और ये पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इनकी क्या विशेषताएं हैं और इनमें क्या अंतर हैं और इन कालों में किन किन चीज़ों का आविष्कार हुआ, इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे।